खोई हुई दुनिया तो संभाली नहीं जाती और खोई हुई दुनिया के लोग निशान ढूंढते हैं। जो भगवान ने दिया है धन दौलत घर परिवार बच्चे पत्नी सब कुछ दिया है, ये हमसे संभलता नहीं। तो पाई हुई दुनिया तो हमसे संभाली नहीं जाती और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए रो रहे हैं। भगवान ने ऐसा नहीं दिया, ऐसा क्यों नहीं किया? सबको देता तो मुझे क्यों? अरे एक बात जरा सोचो, अगर तुम उम्मीद रखोगे कि भगवान हमें दे तो भगवान जरूर देगा। जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, आज दांत है तो अन्न भी देगा। जब दांत नहीं थे तो दूध का इंतजाम भी उसी ने किया और दांत है तो खाने को भी वही देगा। जब दूध नहीं था, जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, दांत है तो खाने को भी देगा। और कहते हैं भगवान सबकी व्यवस्था करता है, तो जो हमारे पास है उस पर ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। देखो दुनिया वाले जो अच्छा करोगे फिर भी कुछ ना कुछ कहेंगे, बुरा करोगे फिर भी कुछ ना कुछ कहेंगे। इसका तो काम ही है कहना। अगर ज्यादा पूजा पाठ करने लगो तो लोग कहते हैं बड़ा पुजारी हो गया। ज्यादा खर्च करो तो लोग कहते हैं पता नहीं कितना खर्च करता है। कभी खर्च ना करो तो लोग कहते हैं कभी एक रुपया भी खर्च नहीं करना चाहता, बड़ा कंजूस है। ज्यादा बोलो तो भक्ता बहुत है और नहीं बोलो तो लोग पागल घोषित कर देते, पागल है। तो दुनिया के लिए कुछ भी करना लेकिन इसका काम है कहना, ये कुछ ना कुछ जरूर कहेगा। एक छोटा सा प्रसंग आपको मैं सुनाती हूँ। भगवान भोले बाबा पार्वती के साथ में नंदी पर बैठ करके भ्रमण कर रहे हैं। जरा ध्यान देकर सुनिएगा, नंदी पर बैठकर भ्रमण कर रहे, भारी धूप पड़ रही है, चला नहीं जा रहा। आगे कुछ लोग खड़े मिले, लोगों ने देखा, अरे राम राम, देखो बूढ़ा सा नंदी है और ये दोनों इतने मोटे हैं और इस नंदी पर बैठ के जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि नंदी को थोड़ा आराम भी करने दे। तो लोगों की बात सुनी भोले बाबा ने तो पार्वती से बोले, देखो पार्वती, अगर लोग ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा करो तुम इस पर बैठ के चलो, मैं पैदल चलता हूँ तब कोई कुछ नहीं कहेगा। पार्वती बोली ये बात सही है। तो पार्वती नंदी पर बैठ के चली और भोले बाबा पैदल पैदल चले। अब आगे कुछ नारियां खड़ी मिली, नारियों ने पार्वती को देखा तो बोली राम राम, कैसा जमाना आ गया है, देखो खुद तो नंदी पर बैठ के जा रही है और पति पैदल चल के जा रहा है, इससे तो जरा सी भी शर्म नहीं, देखो कैसा जमाना आ गया है। तो पार्वती को थोड़ी शर्म लगी और भोले बाबा से बोली कि देखो ऐसा करोगे तुम इस पर बैठ के चलो और मैं पैदल पैदल चलूंगी। तो भोले बाबा बोले ठीक, मैं बैठ के चलता हूँ, तुम पैदल पैदल चलो। भोले बाबा नंदी पर बैठ के चले और पार्वती जी पैदल पैदल चले। अब आगे कुछ लोग खड़े मिले और लोगों ने देखा तो बोले राम राम, देखो तो सही, वो जरा सी राजकुमारी सी कोमल सी वो पैदल चल के धूप में जा रही है और ये इतना हट्टा कट्टा सा व्यक्ति है, ये नंदी पर बैठ के जा रहा है, अरे इसे तो जरा सी भी शर्म नहीं, इसे तो जरा सी भी दया नहीं है, अरे इसकी तो शादी नहीं होनी चाहिए थी, ये तो जिंदगी भर कवारा रहता तो ठीक रहता। भोले बाबा ने कहा देखो पार्वती, ऐसा करो कि हम तुम दोनों लोग पैदल चलेंगे तब कोई कुछ नहीं कहेगा। तो पार्वती भोले बाबा पैदल पैदल चले। अब आगे कुछ लोग खड़े मिले और लोगों ने भोले बाबा पार्वती को पैदल चलते हुए देखा, नंदी को साथ में चलते हुए देखा तो बोले राम राम, इनके जैसा पागल व्यक्ति हमने आज तक नहीं देखा, इनके जैसा मूर्ख व्यक्ति हमने आज तक नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि सवारी साथ में है, साधन साथ में है और ये फिर भी पैदल चल के जा रहे हैं, इनके जैसा पागल व्यक्ति हमने आज तक नहीं देखा। तो भोले बाबा ने कहा पार्वती, जैसे हम पहले आए थे और वैसे ही
चलेंगे। दोनों नंदी पर बैठ गए। अब जिसको जो कहना है वो कहे, जिसको जो बोलना है वो बोले। हम जैसे पहले आए थे और वैसे ही चले। दोनों नंदी पर बैठ करके भ्रमण करने लगे। तो दुनिया का काम है कहना, ये कुछ ना कुछ जरूर कहेगी। जो हमारी मंजिल है, जो हमारा काम है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर दुनिया वालों की बात सुनोगे तो हम अपनी मंजिल को कभी पार नहीं कर पाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए इसी के साथ ही साथ, अब समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मेरा समस्त भक्तगणों से निवेदन है कि भगवान ने अगर मौका ही दिया है भगवान पर एहसान चढ़ाने का, तो ऐसे मौके को आप निकाले नहीं। हमारे आपके बीच में ये 7 दिन तक ज्ञान की गंगा में गोते लगाने के लिए ये मौका प्राप्त हुआ है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी अपना अमोल समय निकाल कर भगवान के दरबार में पधारिएगा और भगवान की अनंत कथाओं का समर्पण कर अपने जीवन को कृतार्थ बनाए। क्योंकि भगवान की कथा वो है जो व्यक्ति का कल्याण करती है, जो व्यक्ति को इधर से उधर पहुंचा देती है, भवसागर से पार कर देती है। और ऐसा कहते हैं कि भगवान की कथा वो है जो उसे बूढ़ा भी सुनता है तो वो भी जवान हो जाता है, और जवान सुनता है तो वो भी बूढ़ा हो जाता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। भागवत में कथा आती है ज्ञान वैराग्य की। ज्ञान वैराग्य के ऊपर जवानी, वो बुढ़ापा था, और माँ भक्ति के ऊपर जवानी थी। तो उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई, तो अंतिम दिवस भक्ति के ऊपर बुढ़ापा आया और ज्ञान वैराग्य के ऊपर जवानी आ गई। तो भगवान की कथा ने तमाम दुराचारियों का, तमाम पापियों का कल्याण किया, ज्ञान वैराग्य का उद्धार किया, धुंधकारी जैसे दुराचारी का कल्याण किया। और वही श्रीमद् भागवत कथा आप हमारे सभी के बीच में पावन ज्ञान की गंगा 7 दिन तक बहेगी। तो आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी भारी से भारी भीड़ में पधार कर भगवान के पावन दरबार की शोभा को बढ़ाइएगा और भगवान की कथा को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। क्योंकि समय का कभी कोई भरोसा नहीं होता है। आज ये पल है, कल ऐसा पल मिला या न मिला। आज ये समय है, कल ये समय, पता नहीं शरीर भी रहा या न रहा। तो समय का कोई भरोसा नहीं होता है। समय समय पर होता है समय समय की बात। समय समय पर होता है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात।